कृषि बिल किसानों के लिए अभिशाप है, प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के मकर जाल में फंस चुके हैं। ऐसे में तीन काले कानून वापस नहीं लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यह बात खरगोन के पूर्व विधायक परसराम टंडी ने प्रेस वार्ता में कही। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कृषि बिल लागू किया है, इसके विरोध में देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता भी बिल का विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक परसराम टंडी ने प्रेस वार्ता आयोजित की और कृषि बिल को किसान विरोधी बताकर तीन काले कानून वापस लेने की सरकार से मांग की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कृषि कानून जो है ये पूर्णतः किसान के विरोधी है और ये किसान के विरोधी इस माने में है कि इसमें जो है किसान ठगा जाए। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है इसमें कि कोई ये कह सके कि इससे किसान को फायदा है। अब यहाँ सवाल आता है कि जैसे किसान को छूट दे दी गई कि बाजार में वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है, निश्चित तौर पर इसके पीछे मंडियाँ बंद हो जाएंगी और जब मंडी बंद हो जाएगी तो मंडी में तो हमारी बोली लगाकर माल बिकता और खुले में जब हम बेचेंगे तो मनमाने तरीके से व्यापारी माल लेगा। हमारा कोई समर्थन मूल्य जो हमको मिलना चाहिए था वो करीब करीब नहीं के बराबर मिलता है किसानों को। तो सरकार एक तरफ समर्थन मूल्य भी नहीं देती, एक तरफ जो है कृषि बिल लाकर जो है किसानों को जो है घाटे की खेती और शुरू कर दी है। एक तो पहले से ही घाटे में किसान चल रहा है और आत्महत्या कर रहा है और फिर ये बिल लाकर, और ये बिल से तो जो 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 कारोबारी लोग हैं, बड़े कारोबारी लोग, ये केवल संग्रहकर्ता रहेंगे। इनको संग्रह की जो छूट दी गई है वो केवल एक साजिश के अंतर्गत दी गई है कि वो जो मोदी जी के समर्थन के लोग जो है, जो चंदा देने वाले लोग हैं, वो चंदा देने वाले लोगों को लाभ मिल जाए। इसीलिए इस संग्रह का भी जो है हजारों टन लाखों टन संग्रह करने का उनको अधिकार दे दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए भी जो जो नियम बनाया है ये केवल मन समझाने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती कोई चलने वाली नहीं है क्योंकि बाजार में भाव अगर गिरे हुए होंगे और कॉन्ट्रैक्ट अगर हमसे ऊँचे कीमत में कर लिया तो भी ये लोग जो है हमारे से बदल जाएंगे, हमारा माल में नुकसान निकाल कर। तो ये सब जो कानून है जो हमारा किसान आज बॉर्डर पर अड़ा हुआ है, जो जो लड़ रहा है लड़ाई, वो निश्चित तौर पर सही लड़ाई लड़ रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि किसानों को माध्यम बनाकर, ये बिल को माध्यम बनाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जिला कोर्ट से हम शुरुआत करें इसके, तो निश्चित तौर पर इसका एक असर आएगा। और अब तो राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया, ये चाहेंगे तो भी नहीं इनको वापस कर सकते। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही मामला हो गया और सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब लोग पहुंचने लगे हैं और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट हमारे किसानों की व्यथा को समझेगी और सुप्रीम कोर्ट हमको हमारा न्याय दिलाएगी। आप इस मामले को लेकर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।